तो हमने मैगी खा ली है, कैसी लगी? मुझे भी बहुत टेस्टी, एकदम झक्कास मिर्ची वाली, एकदम झक्कास। जरा सब्र करो। तो अब जाएंगे एक ऐसी जगह पे, वो आपको वहीं पहुंच के पता चलेगा कि कहाँ जाएंगे। पर वहाँ पे हम पहले भी गए थे और वहाँ पे इतना अच्छा बॉनफायर हुआ था उस टाइम भी, और आज भी हम बॉनफायर करेंगे और खाएंगे पियेंगे, अपनी पैकअप पार्टी करेंगे। हमारा शूट खत्म हो चुका है इसलिए पार्टी करेंगे वहाँ जाके, उसके बाद घर को जाएंगे। पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे घर पे, बहुत लेट हो जाएंगे। बट अब इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत मतलब खाना पीना भी हमारा, कभी कभी बीच बीच में लंच तो होता ही नहीं था। तो आज हम पार्टी करने वाले हैं, कहाँ बनूटी? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पक्का नहीं है कि बनूटी जा रहे, बट शायद। ओ हाय, देख रही मेरे को उड़ा रखे ना, मेरा मीम बन जाएगा आज ये। हाय, याक भी देख लिया इतनी नजदीक से, बैठे नहीं बस उसमें क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। नीचे के लिए रोड यही है। फिलहाल हम रास्ता भूल चुके हैं, पता नहीं चला कहाँ से आए थे। अरे नीचे 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 क्या कर दिया इन्होंने? अच्छा गाड़ी खतरनाक पार्क की है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोके 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 ठोके, ये इन्होंने सिखाया मुझे। और समझ रहे हो, समझ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने लगाने तो हम पहुंच चुके हैं बनूटी, और ये जो आपको ऊपर घर दिख रहा है वहाँ पे आए थे हम पहले, फिर भी हम शूटिंग में ही आए थे। तो यही है वो जगह गाइस जहाँ हम पहले आ चुके हैं, और यहाँ अप्पू भैया का सॉन्ग रिलीज नहीं क्या शूट हुआ था। और अप्पू भैया को आप नहीं जानते होंगे, वो उनका नाम है अमित शर्मा, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उनका सॉन्ग सुनिए और देखिए इस जगह को उस वीडियो में। फिलहाल मैं बैग रख देती हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ फिर से एक बार फिर। सो अभी बॉनफायर होगा और हम अंकल के साथ आए हैं कुछ घास वगैरह लेने। क्या ले जा रहे हैं हम, क्या है इसमें? कश्तियाँ ले जा रहे हैं, कश्ती से आग जलेगी। हाँ मजे मजे आ जाएंगे, वाओ। मेरे को सच्ची वो वाला टाइम यार, पिछली बार वाला जो हम थे यार, एक क्या मतलब है आपका है, दूसरे मीनाक्षी बने। मेरी बहन वैसे करती रहती, चांद दिखाओ यार, चांद चंदा मामा दूर के चांदा। मैंने दिखा दी पहले चांद जब इतना सुंदर सा दिखा था। अच्छा अब कितनी बड़ी कश्ती है, इससे चलेगी यार। अंकल जी भी आ गए हैं, दूसरी जगह याद है आपको, हम पिछली बार भी आए थे। हाँ जी हाँ जी, आप कभी घूमने आओ तो यहाँ जरूर आइएगा, यहाँ का नाम है बनूटी। और ये घनाटी से थोड़ा पीछे है, कैसे बताऊँ मुझे खास पता नहीं है, बट आप पूछते पूछते आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा है रहने का भी। और अभी फिलहाल हम आग जलाएंगे। शिकंजवी के बारे में कुछ बता, शिकंजवी होता क्या भाई? शिकंजवी में नींबू पानी, कौन सी भाषा है? पंजाब में बोलते हैं शिकंजवी। मुझे बता, पेप्सी। यस सर,
मारनी हो हजारों में किसी का तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये ज़माना चाहे रे मिटाना तुम जो आ जाते हो मस्जिद में नमाज अदा करने तुमको क्या मालूम कितनों की कजा होती वे जानिया बेखानिया हो पर खुदा आसमानी जे जवा और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना पहले से ही गया उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा तेरे संग इश्क कारी है तेरे संग एक कुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग भी करारी है। फाइनली हम घर को जा रहे हैं और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। बली अंकल को आने दो, सब कर दो, बाय बाय। देखो ऐसा कर दिया, ओके बाय बाय। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।